नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। बीते दिन की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में, जो नया संसद भवन बन रहा है, लगभग बन चुका है, वहां अशोक स्तंभ का अनावरण किया। अनावरण करने के बाद जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आने लगी। सभी विपक्षी एवं विरोधी पार्टियां निशाना साधने लगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अनावरण नहीं करना चाहिए था, स्पीकर को करना, अध्यक्ष को करना चाहिए था। तो इस तरह की लगातार बातें सामने आ रही थीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जिस तरह की बात की है, उसका पलटवार भी हुआ है और काफी हास्यास्पद बातें हुई हैं। क्या बातें हुई है, मैं आपको बताता हूं। यहां संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिन्ह ही बदल दिया। अब मुझे भी लगा कि कैसे बदल दिया। कह रहा है यह तो देशद्रोह वाला काम है, राष्ट्र विरोधी है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह बदल दिया। यह संजय सिंह ने कहा। तो अब मुझे लगने लगा कि आखिर निशान कैसे बदला है। तो कहा गया कि जो शेर बने हुए हैं वह बाज या चिड़िया की तरह लग रहे हैं, वह शेर नहीं लग रहे। और जो भारत में मूर्ति कला थी, मूर्ति बनाने की जो तकनीक थी, वह रसातल में पहुंच गई है। अब वह तकनीक नहीं रह गई। अशोक स्तंभ अच्छी तरह नहीं बना पाए, उसके शेर जो है चिड़िया की तरह लग रहे हैं और बाज की तरह लग रहे हैं, यह कह रहे हैं संजय सिंह। तो इस पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो दवाई भगवंत मान पीकर आते थे, संजय सिंह भी वही दवाई पीकर आए हैं और वह झेल नहीं पाए, उनसे झेली नहीं दवाई, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं। यह कहना है कपिल मिश्रा का। अब वह किस दवाई की बात कर रहे हैं, उन्होंने दवाई का नाम नहीं लिया। और ऐसी कौन सी दवाई होती है जो झेल ना पाए। तो आप समझ रहे होंगे कि भगवंत मान को लेकर क्या बातें कही जाती है, उसमें कितना सत्य है मुझे नहीं मालूम। लेकिन भगवंत मान को लेकर वह जिस दवाई की बात कर रहे हैं, तो आप सभी समझ गए होंगे वह सरकारी दवाई कौन सी है। और वही दवाई संजय सिंह पीकर आए हैं, उनसे झिली नहीं। आप सोचिए कौन सी दवाई नहीं झिलती है। तो एक बहुत अभद्र टिप्पणी है ये। मैं इसको हास्यास्पद कह रहा था, लेकिन यह टिप्पणी अभद्र है। उस दवाई का प्रयोग आप भी शायद करते होंगे, तमाम नेता करते होंगे, लेकिन सार्वजनिक मंच में, सोशल मीडिया में या ट्वीट के माध्यम से आप इस तरह से निशाना नहीं लगा सकते किसी नेता पर। यह गलत है। यदि आप विपक्ष आपके ऊपर प्रतिक्रियाएं कर रहा है, निशाना साध रहा है, तो उसका जवाब आप उसी तरह से दीजिए, उसी नैतिकता से दीजिए, ना कि आप व्यक्तिगत लांछन लगाएं, ना कि व्यक्तिगत बातों को उजागर करें। यह गलत हो जाता है, क्योंकि यदि व्यक्तिगत लड़ाई शुरू हो गई, तो फिर जितनी नैतिकताएं हैं, जो नैतिकताओं की सीमाएं हैं, सभी नेता उसको पार करने लगेंगे और सभी नेता या मंत्रियों के साथ कुछ ना कुछ व्यक्तिगत लांछन लगाने वाले दाग उनके लगे हुए हैं। तो इस तरह से व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए कपिल मिश्रा को। हो सकता है पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश दिए भी जाएं, लेकिन इस बात को मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन हमारे व्यूवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या व्यक्तिगत आरोप लगाना या व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक मंचों पर उछालना अच्छी बात है, क्या ऐसा करना चाहिए? भले ही वह उस दवाई का प्रयोग करते हैं, भले ही वो दो चार घूंट लगा लेते हैं, तो आप इस तरह से कहकर आप संजय सिंह पर भी वही आरोप लगाएंगे। यह बेहद ही अभद्र है। इसमें आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।